स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा करके हम अपने नेता का स्वागत करेंगे। मेरे साथ नारे लगाए डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी आगे बढ़ो, डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, हरियाणा की उम्मीद डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी आजी जिंदाबाद, युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, जब तक सूरज। जन्म दिवस के उपलक्ष में मेवात के इस हिलालपुर गांव की पावन धरा पर एक विशाल जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा का अनावरण करने आए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह जी, हमारे मंत्रिमंडल में साथी विधायक भाई अनूप जी विधायक, साथ में इस हाईवे को देखते हुए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का ये स्टैचू दिखा तो एक चीज जरूर मन में आई कि चौधरी देवीलाल जी ने जो सपने छोड़े थे गरीब को अमीर से जोड़ने के, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने के, समाज को बराबरी पर लाने के, उस प्रगति का प्रतीक कि आज हमारे बीच में चौधरी देवीलाल जी का महान स्वरूप। मैं तो इतना याद कर सकता हूं कि आज से लगभग 3-3.5 दशक पहले और उससे 10 साल पहले 1977 में और 1987 में जब चौधरी देवीलाल जी को इस प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला तो ऐसे ऐसे कदम उठाए गए जिन कदमों ने इस प्रदेश को नहीं देश और दुनिया के अलग अलग देशों में उन कदमों को अपनाने का काम किया। साथियों, वो वाक्य हमने सुना है पर मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग सीनियर साथी जिनने उंगली पकड़कर चौधरी देवीलाल जी का राजनीति करनी उस समय सीखी थी, उनने तो सच्चाई में देखा था कि 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की जब वादे को जनता के बीच में चौधरी देवीलाल जी लेकर आए थे तो शायद भजनलाल जी बंसीलाल जी कहा करते थे चौधरी देवीलाल तो झूठ बोल रहे, अगर 100 रुपये पेंशन दी जाती तो हम दे देते, हम तो पढ़े लिखे। मगर चौधरी देवीलाल ने एक ही चीज करी, विधानसभा में जाते ही 100 रुपये पेंशन को कानून का स्वरूप देने का काम, और वो 100 रुपये पेंशन धीरे 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 बढ़ती, कोई 100 की 200 हुई, 300 हुई, 500 हुई, 700 हुई, 1000 हुई, 1200 हुई, करती करती 2000 तक पहुंची। अरे डट जा भाई, तो मैंने भी बेरा है, 2000 तक पहुंची, और उस 2000 को पहुंचने में कितने दशक लग गए। साथियों, ये वादा आपकी पार्टी ने आज से 2 साल पहले किया था जब हमने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को अपने संगठन के 1 साल भी निर्माण के पूरे नहीं हुए थे, विधानसभा के चुनाव आज के दिनों में अक्टूबर में चल रहे थे, जब ये वादा किया था कि राज बनेगा
5100 बूढ़े बुढ़िया की पेंशन करेगी। और साथियों राज बना, बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ गए, 5100 कटेगा, 5100 कटेगा। भाई 10 विधायक हम जीत कर विधानसभा में गए, आज तो 2 साल भी सरकार के पूरे नहीं हुए। आज सुबह पत्रकार साथी पूछ रहे थे, मैंने बताया कि अभी तो 22 महीने और 25-26 दिन हुए हैं इस सरकार। घोषणा पत्र की बात कांग्रेस करती है, घोषणा पत्र की बात और पार्टियां करती है, राजनीतिक लोग करते हैं। आज हमारी गठबंधन की सरकार ने 500 दिन जिस दिन कंप्लीट हुए, उस दिन 500 रुपए पूरे बढ़ाकर बूढ़े बुढ़िया का मान सम्मान 2500-2500 करने का काम किया। और ये कोई रुका नहीं है। अभी निशान सिंह जी कह रहे थे 3 साल बचे, एक चीज जरूर याद करूंगा, 27 अक्टूबर की शपथ थी, तारा राज में हिस्सेदारी हुई, राज बना, मुझे वो दिन याद है। कांग्रेस वाले इनेलो वाले के कहते थे ये सरकार तो 2 महीने में टूट जाएगी। 2 महीने पूरे हो गए, कहने लगे ये सरकार तो 6 महीने में टूट जाएगी। 6 महीने पूरे हो गए, ये सरकार तो साल से पहले गिर लेगी। साल भी पूरा हो गया, डेढ़ पे चलेगी, डेढ़ पूरा हो गया। अब कल परसों सुन रहा था हुड्डा जी परेशानी के साथ पंजाब की, हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कह रहे थे अब 2 साल हो गया, हम इनकी पोल खोलेंगे। पोल तो हम खोलते आए हैं, इनने कहा रजिस्ट्री घोटाला हुआ, हमने सख्ती के साथ इंक्वायरी बिठाई और ये पता चला कि इनकी काली करतूतों ने प्रदेश के डीलरों को ताकत दे रखी थी जमीन लूटने की। और इनके 10 साल का आंकड़ा निकाला तो 60-65 हजार करोड़ की, 60-65 हजार एकड़ की सीएलयू बदल गई। हमने तो सख्ती करी कि गरीब को धोखाधड़ी के साथ कोई जमीन ना लेनी पड़े, हमने तो सख्ती करी कि गरीब को उचित दाम पर सही जमीन मिले कि उसका मकान तोड़ने को विभाग का आदमी ना जाए। साथियों ये कहते हैं शराब घोटाला हो गया, मैं तो 2 साल हो गए पूछता है, विधानसभा में आके पूछो, जवाब भी दूंगा इंक्वायरी को, इंक्वायरी भी कराऊंगा। जो तस्करी चलती थी उसको रोकने का काम किया, सख्ती करी और उसका नतीजा है कि प्रदेश 6300 करोड़ से 7000 करोड़ रुपए पे पहुंच गए। ये 700 करोड़ किसकी जेब में जाया करते थे, इसका जवाब नहीं देते। साथियों मैं तो एक चीज आपको जरूर बता सकता कि हमारा संकल्प रहा है कि हमारे घोषणा पत्र के छोटे से छोटे वादे और बड़े से बड़े वादे तक हम मिलकर पार्टी के तौर पे, इस गठबंधन के तौर पे दोनों संगठन पूरा करने का काम करेंगे। और छोटे वादे क्या होते हैं, ये महिलाएं, मेरी माताएं बैठी, राशन डिपो देखो तो लगभग सारे पुराने परिवारों में चलते हैं, पर हमने निर्णय लिया और ये अपने दम पर इन महिलाओं की आवाज बनकर निर्णय लिया कि प्रदेश के राशन डिपो में भी हमारी माताओं को हिस्सेदारी मिले। और ये निर्णय लिया कि जितने नए राशन डिपो प्रदेश में आएंगे उसका 33% हिस्सा रिजर्व किया जाएगा हमारी माताओं बहनों। साथियों पंचायती राज में मैंने कहा चुनरी चौपाल का वादा नैना चौटाला जी का है, उसको हमारा संगठन इस सरकार में मिलकर पूरा करेगा और 50% प्रति ग्राम पंचायत मेंबर, प्रति ग्राम पंचायत सरपंच, प्रति ब्लॉक समिति मेंबर।